सरकार जो है ये आपके राष्ट्रवादी इतिहासकार है, तो उत्तर होगा जदुनाथ सरकार, ठीक है। बाकी तीनों मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, जदुनाथ सरकार मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है। इसके अलावा निम्न में से कौन राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं है, तो केपी जायसवाल राष्ट्रवादी इतिहासकार है, ठीक है। केपी जायसवाल जिन्होंने हिंदू पॉलिटी लिखी राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, आरसी मजुमदार राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, हेमचंद राय चौधरी भी राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, सतीश चंद्रा जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री लिखी है, मुगलों का इतिहास लिखा है, वो जो है मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। तो यहाँ पे सतीश चंद्रा मार्क्सवादी हैं, बाकी केपी जायसवाल आरसी मजुमदार और हेमचंद राय चौधरी राष्ट्रवादी हैं। तो आपका प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं है, तो सतीश चंद्रा राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं है। इसके बाद द कोड ऑफ जेंटू लॉ का संपादन किसने किया था, ठीक है, तो इसका उत्तर है एन बी हॉल हेड ने जो है द कोड ऑफ जेंटू लॉ का संपादन किया था, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जिन पर आज हम लोगों ने चर्चा की, ये आपकी दूसरी इकाई से संबंधित है और आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे और आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें बड़े सहायक होंगे। तो हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और बेहतर जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग इकाई तीन यूनिट तीन के बारे में बातचीत करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। तो यूनिट तीन के अंतर्गत हम लोगों को जो भी प्रमुख इतिहासकार हैं, जैसे आपके सिलेबस में कार्ल मार्क्स हैं, टॉइनबी हैं, ठीक है, और स्पेंगलर हीगल हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनके कौन कौन से ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं और कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से उनके विचारधारा आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।